मम्मी देख तो लो, ये हुआ नहीं बना। तो यार ये कुल्हड़ वाला दूध कह के ना मुझे इंदौर का ध्यान आ गया। जब सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि आज बनी और कुकी के लिए अलग से घर बना रहे हैं। किस चीज में? यहाँ पर जैसे उनके लिए हम देख तो रहे हैं कि यहाँ पर इसको रख रहे हैं पर ये थोड़ी सी गंदगी कर रहे हैं। बहुत समझ सकते हो गंदगी किस चीज की, तो वही इस कमरे में बहुत ज्यादा गंदगी हो जा रही है, फिर स्मेल भी आ रही है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर इनके लिए बना रखा है घर, इसको हाफ डिवीजन करेंगे। डिवीजन एक में ही बनी रहेगा, एक में कुकी रहेगा। तो ये देखो अभी तो इसकी मस्ती चल रही है। मारो से मारो, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। मम्मी कह रही है कि अगर इनके लिए बनाना है तो अच्छे से बनाओ। अब बनाना तो पड़ेगा ही है, मम्मी बनाना पड़ेगा, गंदगी मचा रही है। इनके लिए अब अलग से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जब रखा है इनको तो इनके लिए अच्छे से करनी चाहिए सहूलियत। मतलब कहाँ रखना, क्या करना है, वो भी अच्छे से करना पड़ेगा। अभी 11 बजने वाले हैं और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने सिर्फ क्या किया है, एक शेक बनाया अपने लिए। वो शेक की मैं वीडियो बनाऊंगा, देखता हूँ बना पाया बाद में, तो क्योंकि मैंने सुबह सुबह मुझे भूख लग रही थी इसलिए फटाफट मैंने एक शेक बना दिया 9 बजे के टाइम। और उससे अभी तो मेरे पेट भरा भरा सा लग रहा है, तो वही तभी मैं सोच रहा हूँ बाहर चला भी जाऊँ, नहीं तो मैं भी खा के जाता। तो बस अभी फटाफट जाता हूँ बाहर, कारपेंटर से बात करता हूँ और लेके आता हूँ उसे। यार मैं अभी बुधवार रोड की साइड आ रखा हूँ और यहाँ दिख तो नहीं रहा कारपेंटर, बाकी मैं अभी आगे जाता हूँ या फिर डीडे की साइड जाऊंगा, वहां मिलेगा। ये सबसे पुरानी शॉप है जहाँ से मैं गुलेल लेता था, अंकल बैठे हैं। सो यार अब चलते हैं डीडे की तरफ। तो अभी लेफ्ट टर्न लेके देखता हूँ, यहाँ पर भी एक शॉप है वैसे। ये रही मेरे दोस्त की फेवरेट दुकान जहाँ से वो हमेशा लेता है खाने के लिए। अब चलते हैं इस वाले वे से, यन्ना वाला स्कूल था पीछे गया तो। यहाँ पर एक बेकरी आते जाते हैं सीधा, तो दिखाऊंगा वो वाली। वहाँ बड़ी तगड़ी वाली बनाता है, नमक पारे हो गया, बिस्किट हो गए, बहुत चीजें बनाता, बड़ी तगड़ी फ्रेश। कहाँ गई, देर तो थी, 3 साल पहले देखी थी मैंने यहीं पर। यार सब बंद होगी वाली, वहाँ पर शीशे की होगी, मिरर की दुकान होगी वाली। सो यार एक फर्नीचर की दुकान मेरे को देख के अब जाता हूँ उधर ही। ये रही, अभी वो है नहीं ना मुकेश करके जो है नहीं, वो ये साथ में अगर इनको ले जाना हो तो दिन के टाइम मिलेंगे। एक दुकान मिली उसमें भी वो बंदा क्या है ही नहीं जो साथ में आएगा। तो अब देखते हैं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, कहीं और ही देखना पड़ेगा, कहीं मिल जाए तो। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ मधुविहार की तरफ, देखते हैं यहाँ पर मिल जाता हूँ। तो भैया ये भैया रेडी हो गए, इनके साथ जाता हूँ, एक ही फर्नीचर की दुकान मिले जो चल रहे हैं साथ में। ये वाला है बना रखा है, ये खरगोश है ना, ये बिल्कुल एक जगह, ये इनके लिए दो के लिए तो जगह हो नहीं रही, इनके लिए ऊपर नीचे अलग अलग बना। अब सिंपल सा बना, दरवाजा भी लगेगा ना तो उसके लिए ऊपर भी बनाना पड़ेगा ना, एक अंदर डालने के लिए एक नीचे डालने के लिए, ऐसे में कह रहे हो कि। ये वाली जाली लग जाएगी नहीं, ये लगेगी या दूसरी लगेगी। आया था इधर ये राजापुरी की साइड से आगे, हाँ छोड़ के आगे मैं राजापुरी से थोड़ा सा और आगे उधर की साइड। तो यार इतने से काम के लिए वो बंदे 3-4 हजार रुपए कह रहा है वो, तो फिर अब हमने मना ही कर दिया। मैं बोला थोड़ा बहुत ही करना था यार, फ्रेम ही तो बनाना था उसका है मम्मी, 1000-1200 रुपए ले लो, हो जाएगा इतने में। क्योंकि मैंने जब हाँ अब हमने जो ये बनाया था ये मैंने 150 के अक्रॉस लगा था मेरे को ऐसे कुछ, और अभी ये आया बंदा इसने एकदम से बोल दिया 3000। अब यार मजाक है कि 3000 में एकदम से कहाँ यार, मेरे एक दो जगह कर रखे बात। पर यार मम्मी पता है कितनी जगह होके आ गया मैं, कहीं पर भी दुकान नहीं है, कहीं पर भी नहीं। जहाँ जा रहा हूँ वो बंदा कह रहा है कि अरे वो बंदा बाहर है, वो बंदा इधर है, वो उधर है, बुलाओ ये करो, बेफालतू में खर्चा क्यों बढ़ाना है ना। तो बस यार अभी मेरे को भूख लग रही है, मैं खा लेता हूँ पहले कुछ, अब इतना घूम लिया बाहर आधे घंटा, मेरे को लग रही है भूख, पहले खा लेता हूँ। ये देखो गेट जैसे ही खोला और एक दोनों के दोनों भाग के आ गए, एक को तो मैंने अंदर डाल दिया, ये हाथ में नहीं आ रहा ये बंदर, इधर आ इधर आ, अरे यार इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ बनी सिंह, कुक नहीं कुकड़ी मांदर, इधर कुकड़ी कुकड़ी कुकड़ी, इधर कुकड़ी मांदर, इधर 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 तो आ, ये यार फिर भाग गई, ऐसे भागेगा मुझे लग रहा है इसको, इधर 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 फिर छुप गया नीचे। इधर आया लौंडे, लौंडे ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, या पकड़ ले लौंडे को। अब आया, ये देखो अब आया, जाओ भाई अपनी महबूबा के पास। तेरी महबूबा कहाँ गई, हैं? ये देखो ये इसकी महबूबा, महबूबा लाल,
बस अब मस्ती मारो इधर, हाँ मस्ती मारो इधर। ओहो अभी आराम से थोड़ी देर रहेंगे इधर, फिर अभी थोड़ी देर में इनको निकाल देंगे जब खाने का टाइम होगा। तो मैं दिखाता हूँ कि मम्मी आज कुछ स्पेशल बना रही है, वो भी इसीलिए क्योंकि ये कोकोनट के होते हैं कि बुरादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कोकोनट की मिठाई बना रही है। हाँ नहीं, इसे कह रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं? बुरादा। कोकोनट का बुरादा है। तो मम्मी फिर अभी क्या बना रहे हो? मिठाई बना रही है। मिठाई तो आपने दूध को बस गर्म करने रख दिया है? गर्म के दूध को सुखाएंगे, गाढ़ा बनाऊंगी दूध को, तभी तो बनेगी मिठाई। अच्छा मतलब इसको गाढ़ा कर रहे हो? हाँ, फिर इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट तो इसके क्या प्रोसेस है, मतलब कितना टाइम लगेगा? ओहो तो भैया अपना जुगाड़ होगा, अपना बादाम ला काजू खाओ दबा के डालूंगी तब इसको मिक्सर में बैठ करते। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा यार। टाइम लगेगा इसको थोड़ा सूखने में, टाइम लगेगा। मतलब मिनिमम कितना टाइम? दो घंटा गैस में रखो, दो घंटा। उस दिन पापा भी बना रहे थे दिवाली, नहीं नहीं किस टाइम बनाया था पापा ने? होली के टाइम ना? नहीं होली के टाइम नहीं यार, अभी बीच में भी बनाया था एक बार। हाँ ध्यान आ गया, जन्माष्टमी के टाइम पापा ने बनाया था, यही वाला बनाया था जो मिठाई है ना, यही सेम टू सेम। पर अब मम्मी बना रही है तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। उस टाइम तो मैंने वीडियो बनानी शुरू भी नहीं करी थी, तो मैंने बनानी शुरू करी है, तो मैं तुमको दिखाता हूँ ये वाली। तो ये दूध को बस गर्म करने के लिए रख दिया और एक डेढ़ घंटे में सोचो जो ये दूध दिख रहा है ना, इतना इतना है, हाँ इतना, और ये रह इतना सा जाएगा फिर, देख रहे हो ना? भी होता है ना, ये इवेपोरेट हो जाता है दूध इसमें, दिख रहा है? तभी इतना सा रह जाएगा, फिर उसमें ये डाल डाल के तब बनाएगी मम्मी। तो मैं इसे प्रोसेस पूरा दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, है ना? बाकी इसको पकने दो, और एक डेढ़ घंटे तो पहले पूरा पकता ही रहेगा ये, बाद में शायद हिलाना भी होता है क्या मम्मी इसको? बीच बीच में हिलाना भी होता है, यानी कि बस रख दिया भैया, कुछ पता चला जल गया कुछ बाहर से, फिर इसलिए पूरा इसको अच्छे से गर्म करना पड़ता है। तो बस सब तक अभी ये गर्म हो ही रहे, तो मम्मी कह रही है कुकी बनी को लेके छत में आ जा। ये बंदरिया को ना अभी मैं लेके जाऊंगा, बंदर बंदरिया को दोनों को छत में, तो दिखाता हूँ पहले, उससे पहले कि इसको सुलाने के एक और टेक्निक पता चली है मेरे को। देखो अभी जैसे उछल रही है, अब देखो बेइज्जती होगी भैया मेरी, सारे मिलके हमको पागल बना। एक और फिर टेक्निक लगा के देखता हूँ कि शायद फिर सो जाए। अब नहीं हिलेगी थोड़ी देर तक, ये बंदर नहीं मानता है, सो करता हूँ इधर। ये भी सो गया ऑलमोस्ट यार, एक घंटा हो गया इसको, और देखो कलर इसका चेंज हो गया, ध्यान से देखना क्रीमी कलर हो गया इसका, और पता है इसकी खुशबू भी अलग से आने लगाती है, मीठी मीठी खुशबू। आपने वो दूध पिया होगा, होता नहीं शादी में अलग से देते हैं कुल्लड़ वाला दूध, वो भी ऐसे ही बनता है, उसके ऊपर यहाँ पर मलाई जैसी जम जाती है, उसी में ही मतलब दूध में डालते हो मलाई इसी की। तो यार ये कुल्लड़ वाला दूध कह के ना मुझे इंदौर का ध्यान आ गया, जब मैं अपने वहां से हॉस्टल से जब अरविंदो आता था, तो अरविंदो में वहां पर 20 रुपए का मैं पीता था इतनी बड़ी गिलास में, और इतना गाढ़ा होता था, और उसके ऊपर होती थी मलाई, इतनी मोटी लेयर की मलाई होती थी, इतना मजा आता था उसे पीने में, पी भी रहे और खा रहे हैं उसके ऊपर की मलाई। सच्ची मेहर वही, इसकी खुशबू जब आ रही ना वैसी सेम टू सेम लग रहा है। जिसने ना कुल्लड़ वाला दूध पिया होगा कमेंट करके बताना। तो यार मम्मी ने देखो इनको कहाँ रखा हुआ है, बनी और कुकी को, लग रहा कहीं दिख रहे हैं? कहीं नहीं दिख रहे ना, तो दिखाता हूँ किधर है। तो अभी मम्मी धूप सिखाने के लिए इनको ले जा रही है, ये देखो ठीक है, एक बंदरी है ये और एक बंदर। अरे कहाँ जाना, देखो बस इनको थोड़ी देर के लिए ऐसी मम्मी ले जा रही है छत में, क्योंकि कपड़े वहां पर मम्मी सुखाने के लिए रख रही है, और ये थोड़ी देर तक धूप भी सेक लेंगे। अभी इनका सोने का टाइम रहा है, तो इनको नहीं छेड़ते यार। निकाल के लेके गए थे, तो मम्मी अभी इनमें से पत्ते निकाल रहे, फिर शायद रात रात को बनेगी सब्जी राय की। अभी मिलने खाने यार,
ब्याह खाल ब्याह तो बनाया गया पर मैं ब्याह खाल ठीक है ब्याह खाला ब्याह खा लो ब्याह मतलब होता है शाम बकन है शाम ब्याह मतलब ब्याह ब्याह मतलब शाम राती मतलब सुबह तो मैं भैया सुबह ज्यादा खा ली इसलिए मैं अभी कुछ नहीं खा रहा हूँ तभी इनको भी जरा मस्ती करने दो कितने पत्ते हो रखे दो आदमी के लिए बन जाएगी थोड़े कितने पत्ते हो गए इसमें से एक ही पेड़ हुआ है पूरी टंकी में एक दो रखे ना एक सरसों का है पेड़ एक राई का है। अच्छा राई और सरसों दोनों मिक्स कर रखे आपने इसमें अच्छा मिक्स कर रखे ये खाते ही नहीं दोनों बंदर बंदरिया ढेरा रखा हुआ पर खा नहीं रहे काय का तोड़ रहे हो प्याज जो मैंने इसमें लगाए थे ना वो अच्छा प्याज के पत्तों को भी तोड़ रहे हो जैसे इनको काटोगे ना दोबारा फिर बढ़िया गुच्छे आ जाएंगे इनकी सब्जी बनाओगी क्या सब्जी में डालूंगी राई के साथ डालूंगी अच्छा तो वो प्याज की सब्जी बनती है ना इसी की प्याज के पत्तों की और ये देखो क्या हालत होगी इनकी ये भी खल्लास अब आठ दस दिन में बढ़िया हो जाएंगे हाँ इसमें फिर आ जाएंगे देखना जब मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो पूरा भी देखना बढ़ जाएगा उस टाइम का भी ध्यान होगा आप सबको ये पूरा खाली हो जाएगा निकाल देंगे और ये धनिया हो रहे हैं इसमें और ये मूली यही बढ़ने लग गए इतने निकाल देंगे वो भी भाग गई और ये भी भाग गया जैसे इनको आवाज आई ना चने को मम्मी रख रही थी डब्बे में तो दोनों भाग गए सोते सोते तो बस इनको अब नीचे लेके चलते हैं मम्मी ने सारा यहाँ पर काट उट दिया मतलब राय को और बना रखा था ना हरी सब्जी वो काट दिया अब बस अभी चने हैं चने लेके अब सीधे नीचे चलते हैं आपने रख दिया उसको कुकी को तो बनी को रखो अभी बनी इधर 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 रखो ये मम्मी देख तो लो ये हुआ नहीं बना तो भैया मैं चल सकता हूँ अभी और थोड़ा सा सोचो नेचुरली इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका चीनी मिला के बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है पर मेरे को ऐसे में कितना बढ़िया लग रहा है मम्मी जो क्रीम होती है ना उससे भी बढ़िया टेस्ट भाई कभी आप भी बनाना अभी पूरी रेसिपी इसकी बन जाए उसके बाद दिखाऊंगा आपको जब तक आप देखते हैं मम्मी इसमें और कुछ डालना है क्या ड्राई फ्रूट डालेंगे थोड़ा कब डालना अभी डालोगे थोड़ी देर बाद अभी मैं खाना बना रही हूं पहले तो थोड़ी देर बाद उसके बाद ये काम करूंगी तो मम्मी अभी थोड़ी देर बाद इसको करेंगे क्योंकि अभी मम्मी खाना बना रही है मिलने में बनाना मिलने सो यार अभी तीन बजने वाले हैं मेरी क्लास 3:15 के टाइम होगी और अभी मम्मी बनाना स्टार्ट कर रही है मिठाई और सबसे पहले मम्मी बना रही है ड्राई फ्रूट्स का क्या कर रहे हो मैं इसमें डालूंगी ना मिक्सर तो अच्छा पहले इसको मिक्स करना है पूरा वो मिक्सर से अच्छा अच्छा मतलब क्रंची हो जाए बहुत ज्यादा मिठाई तो उसके लिए मम्मी अब डाल रही है इसमें काजू और बादाम इनको पीसेंगी मम्मी अभी मिक्सर में और कुछ डालना है इसमें ये दो चीजें ना ये दो चीज इसमें वो डाल दूंगा मैं ओट्स पाउडर जैसा हो जाएगा आज सुबह सुबह मेरे ओट्स का पाउडर का वो बनाया था शेक बनाया था मैं कह रहा वही डाल देते हैं जब भी मिक्स कर रहे हो उसमें
तो ये बन गया इसका पाउडर। थोड़ा हेल्थ के लिए सही रहता है। हेल्थ के लिए ये ड्राई फ्रूट सबसे अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो ये मम्मी ने डाल दिया। जो इसके लिए थोड़ी सी हो रही थी ना वाटरी हो रही थी है ना, अब क्या है ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, पहले से ठीक हो जाएगी बहुत ज्यादा। चीनी डालोगे? चीनी होनी थी, दबा के मैं डाला करो इतनी। मीठा तो अच्छा होगा, बिना मीठा कहाँ अच्छा। चलो ठीक है, ये भी है कि यार अब घर में बना रहे हैं तो मैं चख लूंगा और खा भी लूंगा भाई। बाहर का तो मैंने बोला था मैं अवॉइड करूंगा। काफी बंदों को ध्यान आ रहा होगा भैया जो बनाते हैं घर में, जिन जिनको ध्यान आ रहा कमेंट करके बताओ, क्योंकि घर में भी अगर ये मिठाई बनती है तो। छोले क्या होने लगता डाल देंगे, और ये रहा चीनी का पाउडर बना रखा है, ये इसको और ज्यादा मीठा करने के लिए, स्वीट फ्लेवर और ज्यादा आएगा इसमें, स्वीटनेस बढ़ेगी इससे और ज्यादा। ये देखो और ज्यादा ठीक होता है, ड्राई फ्रूट डालने से थोड़ा बढ़िया हो जाता है। किसी को ये तो नहीं लग रहा ज्यादा डाल दिया इसमें? नहीं, ये भी कम है जितना डाल रहा है। कम नहीं मेरे सबसे यार, वो गीला भी बने ना कोई दिक्कत नहीं। हाँ रबड़ी बनाने का मम्मी तरीका यही है क्या? नहीं बात सुनो, रबड़ी बनाने का क्या होता है, जैसे बहुत देर तक हमने पकाया था इसको और इसमें चीनी डाल दो बस। उसमें इलायची वगैरह डालते हैं, कितने जनों के मुंह में पानी आ रहा फटाफट बताओ कमेंट करके। जो भी मीठा खाने के शौकीन है, रौनक मानसी को भी ध्यान होगा जब हमने उस दिन बनाया था तो कितने सारे बना रखे थे पापा ने। कहीं से गोले मतलब किस चीज के, मतलब कि गोल अच्छे से बने देखते। फ्रिज में रख के क्या और ज्यादा इसमें सॉलिड हो जाएगा, पहले से इतना भी नहीं सॉलिड की भैया दांत लगाए और दांत ही उसी में टक जाए मिठाई में, वो वाला नहीं बन जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। और मैं एक चखूंगा अभी, ज्यादा नहीं है, फिर एक ही चखूंगा अभी, बाकी रात तक फिर नहीं है। और किस किस को रेसिपी पसंद आई वो भी कमेंट करके बताना भाई, किस किस को समझ भी आई और किस किस को पसंद आई मिठाई बनाने की रेसिपी, सबसे ईजी वे जो मम्मी ने बताया। ऑलमोस्ट बनने ही वाला है, लास्ट है ये। देखो इतने ही बन चुके हैं, ठीक है, और एक ये बन गया, और एक और मम्मी अभी बना रही है, और इसमें जो प्लेट में होंगे एक मम्मी खाएगी और एक मैं खाऊंगा। भाई मजा आ गया, मैं तो पूरा खा लूंगा, बहुत ज्यादा मजा आ रहा खाने में, बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि ताजा बना हुआ है ताजा। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर करिए इसको, बनाएं घर में भी आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।